नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेडी सिलिकॉन निपल पुलर के बारे में कि मेडी सिलिकॉन निपल पुलर होता क्या है और इसको यूज कैसे किया जाता है। तो इसका यूज अधिकतर मदर्स करती हैं जिनके छोटे छोटे बेबीज होते हैं, वो मदर्स इसको यूज करती हैं जिनका बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे मदर्स ऐसी हैं जिनकी निपल्स जो होती है थोड़ा डीप में होती है, थोड़ी अंदर की तरफ घुसी होती है, इसलिए उनका बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाता है। इसलिए उन मदर्स को यूज़ करना पड़ता है मेडी सिलिकॉन निपल पुलर बच्चे फीड कराने के लिए। तो इसका यूज अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग मेथड होता है। तो आइए जानते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। मेडी सिलिकॉन निपल पुलर को यूज करने से पहले इसकी एयर को बाहर निकाल कर निपल पर लगाते हैं, जिससे यह हल्का सा प्रेशर क्रिएट करता है और जिससे निपल को बाहर की तरफ पुल कर दे, यानी कि जब भी मदर से इसको यूज करेंगी तो निपल्स में जब भी लगाएंगी तो हल्का सा प्रेशर क्रिएट करेंगे उस पर मेडी सिलिकॉन निपल पुलर पे, तो उनके निपल्स को जो क्या होता है वो बाहर की तरफ खींचता है, तो इसलिए थोड़ा बाहर की तरफ खींच देता है, तो इसलिए बच्चा उनका अच्छे से फीड कर पाता है। यदि इसी प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे तो आपके मदर्स के निपल्स को ये इतना बाहर की तरफ पुल कर देता है, यानी कि बाहर की तरफ इतना निकाल देता है जिससे बच्चा आसानी से एकदम फीड कर सकता है, बहुत ही इजीली तरीके से फीड कर सकता है। और ये इतना प्रेशर या पेनफुल नहीं होता है जिससे कि मदर्स को कोई प्रॉब्लम हो सके। इसे यूज करने से मदर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और ये मदर्स मसाज के पर्पस से यूज कर सकती हैं या स्टिमुलेशन के पर्पस से यूज कर सकती हैं। तो इसमें इसको यूज करने के बाद कोई भी मदर को प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मसाज के तौर पर यूज कर सकती हैं या स्टिमुलेशन के पर्पस से इसको यूज कर सकती हैं वो मदर जिनके बच्चे अच्छे से फीड नहीं करते हैं। तो यही है इसका प्रोसेस। और इसको वॉश करने के लिए, इसको धोने के लिए या क्लीन करने के लिए जो भी बोल सकते हैं, इसका एक लिक्विड आता है, लिक्विड का नाम है लिक्विड क्लेंजर के नाम से आता है, इससे इसको वॉश करते हैं यानी कि धोलते हैं। और ये प्रोटेक्टिव कवर के साथ में आता है जिससे चारों तरफ से ढका रहता है ताकि कोई भी बाहर की चीज़ें इसमें इंटर ना कर सके, जैसे कि कोई भी डस्ट वगैरह ना बैठ सके, क्योंकि ये बहुत ही प्रोटेक्टिव कवर में इसलिए इसको रखा जाता है कि मदर्स जो फीड कराती हैं अपने बच्चे को, वो बच्चा यदि सिलिकॉन निपल पुलर यदि गंदा रहेगा या डस्ट बैठा रहेगा, यदि मदर्स अपने बच्चे को फीड करा रही है तो उसके ज़रिए उस बच्चे को जाएगा तो बच्चा उसका बीमार हो सकता है। इस वजह से इसको प्रोटेक्टिव कवर में रखा जाता है, पूरा पैक रहता है, आप देख सकते हैं वीडियो में।